देश के जननायक व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर गोरखपुर बीजेपी पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय में किया गया। इस मौके पर भाजपाइयों ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान एक शोक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, महापौर सीताराम जायसवाल, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी. के. मल सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपाइयों ने 2 मिनट का मौन धारण कर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी के संघर्षों को याद करते हुए उनके बताए गए पदचिन्हों पर चलने की शपथ ली। उनकी उपस्थिति ही हमको एक नई रोशनी देती थी। उनका आशीर्वाद हम सबके साथ था, हमारे बीच में नहीं है। निश्चित रूप से अटल जी का एक व्यापक लगाव गोरखपुर से विशेष रूप से रहा है। हम सबके लिए और ज्यादा दुख का विषय है कि आदरणीय अटल जी हर अभियानों में, हर मुकाम पर हम सबका मार्गदर्शन गोरखपुर में आके करते रहे हैं। अब उनका मार्गदर्शन हम सबको नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से हम सबकी अपूर्णीय क्षति है, देश की नहीं। अटल जी का न रहना भारत की राजनीति के लिए नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक अपूर्णीय क्षति है ही। जिस प्रकार से आज उनके स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद एम्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, भारत के अंदर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान, नेताओं की प्रतिक्रिया जिस प्रकार की आई है, निश्चित रूप से वो ये बताती है कि आदरणीय अटल जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि देश के अंदर 125 करोड़ लोगों के नेता थे। हम सब के लिए इस नाते और ज़्यादा दुखद दिन है कि आज वो हम सब के बीच में नहीं है। मैं पुनः एक बार अपनी तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बातों को समाप्त करते हैं।